हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हाउ आर यू ऑल। और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जैसा कि आप सबको पता है, पहला एग्जाम हमारा इंग्लिश का ही है, तो यूनिट वन से जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, हम वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। आप सबको पता है यूनिट वन बहुत ज़्यादा ईजी है और इसमें से कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है काफ़ी केयरफुल करने वाली चीज़ें हैं, काफ़ी ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, हमें काफ़ी केयरफुल होकर वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो हम सब इसी नोट्स में वो कवर करेंगे, ठीक है। पूरा यूनिट प्लान वन हम इस नोट्स में कवर कर लेंगे और यूनिट प्लान टू की वीडियो भी आज ही सून आ जाएगी, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। सो बेसिकली हमारे यूनिट वन जो है, सबको पता है ये हमारा पूरा बेस्ड किस पे है, बायोग्राफीज़ पे। ये जो यूनिट प्लान वन है हमारा, पूरा बायोग्राफीज़ पे बेस्ड है, बायोग्राफीज़ के अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखो इसमें से क्या क्या आ सकता है, जो मुझे लगता है कि हाँ वो आ सकता है, मैं वो सारा आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तो बेसिकली देखो इसमें आ सकता है कि आप अपने रोल मॉडल की बायोग्राफी लिखो, है ना, यही आ सकता है इसमें से। जा तो कुछ आ नहीं सकता कि आप अपने रोल मॉडल की बायोग्राफी लिखो या अपने फ्रेंड की बायोग्राफी लिखो, या फिर आपको कुछ हिंट्स दे दिए जाएंगे कि हिंट्स हैं जैसे कि उनकी पर्सनल लाइफ हो गई, उनकी एजुकेशन हो गई, है ना, उनमें से किसी की बायोग्राफी लिखनी होगी आपको, इस तरीके से आ सकता है। या फिर आपसे क्वेश्चंस पूछ ले जाएंगे उन बायोग्राफीज़ में से, जो बायोग्राफीज़ आपकी बुक्स में है ऑलरेडी, जो आपने पढ़ी हुई हैं, जैसे कि ओप्रा विनफ्रे, महावीर सिंह की, है ना, और भी एक बायोग्राफी है जो आपने पढ़ी हुई है, उससे रिलेटेड क्या आ सकते हैं, क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या आ सकता है, तीसरा आ सकता है माइंड मैप ऑफ द बायोग्राफी। उस बायोग्राफी का माइंड मैप आ सकता है जिसे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जिसे आपने ऑलरेडी कर रखा है। जैसे कि आपने देखा था ओप्रा विनफ्रे का भी माइंड मैप आया था बीच में, ओप्रा विनफ्रे और उनकी जो पूरी बायोग्राफी था उसका माइंड मैप था, ठीक है, इस तरीके से आ सकता है। और या तो वो एक छोटी सी बायोग्राफी दे देंगे आपको, इसमें से कहेंगे कि अब इसका माइंड मैप निकालो आप हमें, वो और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आ सकता है आपका। वो मतलब कैसे भी दे सकते हैं वो आपको, ठीक है। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने सोचे हैं कि ये आ सकते हैं, आई थिंक सो। जैसे कि What aspects of a personal life inspired the reader most? देखो बायोग्राफी लिखने के पीछे कोई ना कोई एक लॉजिक तो होता ही है ना, कोई यूं ही थोड़ी ना लिख देता बायोग्राफी, कोई हमारी बायोग्राफी लिख के पोस्ट कर दे, नहीं ना। देखो बायोग्राफी लिखने के पीछे ना जो रीडर होते हैं उनका भी इंटरेस्ट होता है, हम भी कोई बायोग्राफी ऐसे नहीं पढ़ते जब तक हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं आता। वो इंटरेस्ट किन किन चीज़ों से आता है, उसके लिए क्या क्या हमारे पॉइंट्स होते हैं, कुछ जो चाहिए होते हैं। देखो पहला तो हो गया पर्सनल बैकग्राउंड, एडुकेशन, करियर एंड अकम्पॉलिशमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हो गया रिलेशनशिप्स, हाँ देखो पर्सनल बैकग्राउंड, एडुकेशन, करियर एंड अकम्पलिशमेंट्स, रिलेशनशिप्स, हॉबीज़ और जो इंटरेस्ट है, चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स, लेजेसी एंड इम्पैक्ट। और अगर आपको इस इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो इन योर बुक देयर इज़ अ पेज नंबर 12 जिसमें ये सारी चीज़ों के बारे में और भी ज़्यादा डीपली समझाया गया है, जैसे कि पर्सनल बैकग्राउंड को एक्सप्लेन किया गया है, एडुकेशन को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। इसी तरीके से सारी चीज़ों को डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको दिया जाता है कि कोई भी दो या तीन पॉइंट लिखो और उनको एक्सप्लेन करो, तो आप वहाँ से एक्सप्लेन करने में ज़्यादा ईजी रहोगे, आपको ठीक रहेगा। मतलब अगर वहाँ से आप एक बार पढ़ के चले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको एस्पेक्ट्स को लेकर, ठीक है। देखो और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपको दे सकते हैं कि कोई भी दो बायोग्राफीज़ के बीच में सिमिलैरिटीज़ लिखो और डिफरेंस लिखो। कोई भी दो बायोग्राफी दे दी जाएंगी आपको, या फिर वो बायोग्राफी जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, जैसे कि महावीर सिंह फोगाट और ओप्रा विनफ्रे, ये आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, इन दोनों के बीच में आपको दे दी जाएगी कि सिमिलैरिटीज़ लिखो और डिफरेंस लिखो, या फिर पॉजिटिव पॉइंट्स लिखो, नेगेटिव पॉइंट्स लिखो, या दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ थी, क्या डिस्पैरिटीज़ थी, सब दे दी जाएंगी। तो आप वो सारी चीज़ें भी इसमें लिख सकते हो, ऐसे कर इस तरीके से भी आ सकता है। अब देखो रोल मॉडल से रिलेटेड भी हमारे यूनिट प्लान में काफ़ी कुछ कवर किया गया है रोल मॉडल को लेके, तो ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि रोल मॉडल की कोई भी टू क्वालिटीज़ बता दो और उनको एक्सप्लेन कर दो, तो उसके लिए भी आपको किस पे जाना पड़ेगा, पेज नंबर 25 पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारी क्वालिटीज़ लिख दी है बट एक्सप्लेन नहीं करा है। अगर आपको लगता है कि मुझे इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है तो आप कमेंट कर दो, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। देखो क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए रोल मॉडल में, पैशन एंड एबिलिटी टू इंस्पायर, क्लियर सेट वैल्यूज़, एबिलिटी टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स, सेल्फलेसनेस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स, कमिटमेंट टू कम्युनिटी, ठीक है। अगर आपको इन्हें डेफिनेशन में पढ़ना है, डीपली पढ़ना है, अगर आपको लगता है कि हाँ एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, जैसे ये एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आएगा, अगर इसका कह दूँ तो ये आ सकता है शायद, इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है, तो आप लिख सकते हो और पेज नंबर 25 से हिंट ले सकते हो, ठीक है। अब देखो हु इज़ योर रोल मॉडल, क्योंकि मैंने कहा है आपसे कि रोल मॉडल का भी काफ़ी कुछ हमारे यूनिट प्लान में कवर किया गया है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि हु इज़ योर रोल मॉडल, क्या क्वालिटीज़ हैं आपके रोल मॉडल में, ठीक है। तो जो भी रोल मॉडल है जो आपको इंस्पायर करता है उसे लिख दो कि ही और शी इज़ माई रोल मॉडल, ठीक है, और कैसे आपको इंस्पायर करा है, वो सारी चीज़ें इसमें कवर कर दो। उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ है, आपको लगता है कि वो अच्छा शेफ़ है, वो अच्छा कुक कर सकता है, लिख दो। आपको लगता है वो अच्छा मोटिवेशन स्पीकर है, वो लिख दो, ठीक है।
और देखो ये मैंने कुछ आने वाला नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सबको ध्यान देने की ज़रूरत है इस पॉइंट में बहुत ज़्यादा, जो कि है कि पंक्चुएशन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है किसका, राइटिंग का। देखो हर चीज़, स्टोरी देख लो आप, बायोग्राफी देख लो, ऑटोबायोग्राफी देख लो, सब में क्या मैटर करता है, पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना बायोग्राफी लिखते वक्त, स्टोरी लिखते वक्त, ठीक है। अब हमारा यूपी वन यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यूपी वन में इसके अलावा और कहीं से भी कुछ भी नहीं आ सकता। और एक बार बुक में जितनी भी हमारी 3 बायोग्राफी दी गई हैं उन्हें डीपली पढ़ लो, वैसे पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, जितना कुछ था मैंने इसमें सब कवर कर दिया है। यूनिट प्लान 2 भी जल्दी आ रहा है, तो स्टे कनेक्टेड, स्टे एंगेज, बाय बाय एवरीवन।